बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन नंबर 2, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसकी मैंने आपके साथ रीडिंग शेयर कर दी थी और आज ही मैं आपके साथ इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी जो कि हमारे पास है पेज नंबर 12 पर, पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13। तो आप सब बच्चे अपने अपने पेजेस ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए, बॉल पेन और पेंसिल और साथ आप अपने पॉइंटर जो भी आप लोगों को स्कूल में अलाउ है और एक कॉपी वो भी अपने पास रख लीजिए, जल्दी से कर लीजिए सारा काम अपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शंस पार्ट नंबर ए है और उसके अंदर फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट वी मस्ट, हम लोगों को जब लड़ाई हम लोग देख रहे हों कि या लड़ाई हो रही हो किसी के साथ हमारी या किसी की, हम लोग लड़ाई देख रहे हों तो हम लोगों को किस तरह का रिएक्शन करना पास करना चाहिए, किस तरह के हम लोगों को बिहेव करना चाहिए। बी पेशेंट एंड काम, आप लोग सुकून से रहें और आप लोग अपने आप को कूल डाउन करें। आप लोगों को नरम मिजाजी का मुजाहरा करना चाहिए। आप लोगों को बजाय इसके कि आप आगे बढ़ के और भी ज़्यादा लड़ाई करें या आप खुद भी लड़ाई करें, तो आपको चाहिए कि आपको ठंडे दिमाग से सोचते हुए आपको उस लड़ाई को ख़त्म करना है। सेकंड पे आ जाए, इन अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन वी मेक अ डिसीजन दैट इज बेस्ड, एक कॉन्फ्लिक्ट एक लड़ाई के सूरत हाल के अंदर जब लड़ाई हो रही हो और आपको आपको कहा जाए कि अब आप इंसाफ करो तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दोनों के मसले मसाइल सुन के जो जिस बात पे दोनों की लड़ाई हो रही है फिर आपने उस चीज़ को चूज करना है जो कि सही होगी, जिसका कोई प्रूफ होगा, जो सही होगी, बिल्कुल दुरुस्त होगी, क्योंकि डिसीजन आपने लेना है, इंसाफ आपने करवाना है। आपने ये नहीं देखना कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये नहीं देखना, बल्कि ये देखना है कि कौन सच्चाई है, किसके अंदर सच्चाई है, कौन दुरुस्त है, कौन अपनी जगह ठीक है। ठीक है, अगर आपका दोस्त गलत है तो आप अपने दोस्त को कहें यार आप गलत हो, और जो आप सेकंड पर्सन है आप उसको आप सही हैं, आप उसको थोड़ा सा अपोलोजाइज कर लें, अपने दोस्त को उसको थोड़ा सा अपोलोजाइज कर लें, दोनों की फ्रेंडशिप करवाएं। थर्ड आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अकर बिकॉज वी ऑल थिंक डिफरेंटली, क्यों लड़ाइयाँ क्यों पैदा होती हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे के मुख्तलिफ एक दूसरे से मुख्तलिफ सोच रखते होते हैं, हम सब की सोचें मुख्तलिफ हैं, हम सब मुख्तलिफ तरह से हर कोई मुख्तलिफ तरह से किसी भी सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करता है। फोर्थ आ जाते हैं, ट्रीट अदर रिस्पेक्टफुली, यानी कि आपने दूसरों को रिस्पेक्ट से अदब के साथ ट्रीट करना है, उनको अच्छा फील करवाना है। अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए आप सेंसिबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना कि ये कि आप लोग भी अजीब और गरीब किस्म के हैं और आपकी तबीयत अच्छी नहीं हुई हुई। इफ समबडी हैज़ डन अस अ फेवर, से अगर कोई हमारे साथ कोई भलाई कर देता है, कोई हमारी फेवर करता है, तो हम लोगों को क्या कहना चाहिए, हम लोगों को उसको थैंक यू कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने हमारी मदद की है। ठीक हो गया, अब ये सारे के सारे आपके पास MCQs हैं, ये देख लीजिए आप लोग भी। देन कमिंग टूवर्ड्स बी पोर्शन, राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। वी ऑल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग, हम सब की मुख्तलिफ तरह की सोच है, किसी भी चीज़ को समझने की मुख्तलिफ तरह की सोचें होती हैं। ठीक है, अगर आज मैं कहती हूँ कि दुपट्टा पहनना सही है, दुपट्टा हमारे दीन में पहनना औरतों के लिए अच्छा है कि औरतें दुपट्टा पहनती हैं, कि वो हमारे दीन के अंदर भी है। ठीक है, जबकि दूसरी औरत जो है वो जो वेस्टर्न स्टाइल में है, जो कि नॉन मुस्लिम है, वो कहती होगी कि दुपट्टा क्यों। ठीक है ना, उसके नज़दीक दुपट्टा पहनना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन हमारे यहाँ हमारे दिन के अंदर दुपट्टा पहनना इंपॉर्टेंस है औरतों के लिए, औरतों की प्रोटेक्शन दुपट्टे में है। ठीक है, तो ये ट्रू, वी शुड नॉट रिस्पेक्ट अ डिफरेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्या हम लोगों को इज्जत नहीं करना चाहिए कि दूसरों के ओपिनियन की। ठीक है, फॉल्स नहीं, हम लोगों को दूसरों की रायों की भी, दूसरों जो हमें दूसरे राय दे रहे हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी भी हम लोगों को उसको उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितने हम अपने ओपिनियन के ऊपर कहते हैं कि हम ठीक हैं, तो उसको भी यही फील करना चाहिए कि ठीक है आप भी ठीक हो, और फिर दोनों का निचोड़, दोनों के ओपिनियन का निचोड़ निकाल के, यानी कि दोनों को मिलाकर कोई एक सोल्यूशन बन रहा हो तो वो सोल्यूशन आप लोग अप्लाई कर लें। वी शुड नॉट पास नेगेटिव रिमार्क्स अबाउट अदर्स, हम लोगों को दूसरों के ऊपर बुरे रिमार्क्स पास नहीं करना चाहिए, यानी कि हम लोग कहते होते हैं ना यार देखो ना वो कितनी बदतमीज़ है, इस तरह के ये नेगेटिव रिमार्क्स हुए ना उसको तो तमीज़ भी नहीं है खाने की। आप लोगों के अंदर मैं जो सोचती हूँ कि हमारे अंदर नहीं, हम लोग भी तो किसी ना किसी तरह से गलत हो सकते हैं ना, हमारे अंदर भी तो क्या कितनी बुराइयाँ होंगी। ठीक है, ट्रू, वी शुड रिस्पॉन्ड टू वायलेंस विथ वायलेंस, क्या हम लोगों को बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से ही देना चाहिए। फॉल्स,
पीस एंड हारमोनी आर इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थी सोसाइटी. जो अमन और सुकून है वो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है. ट्रू. ठीक है, ये आपके सारे सामने सारे ट्रू फॉल्स हैं. अब आ जाते हैं पेज नंबर 13 पर, और पेज नंबर 13 पर सी पोर्शन देख लीजिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ कैन वी ओवरकम अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन. जब हम लोग किस तरह से एक लड़ाई वाली सिचुएशन है उसको हम लोग किस तरह से उसको कूल डाउन कर सकते हैं, दोनों शख्सियात को और दोनों को किस तरह से कूल डाउन कर सकते हैं और किस तरह से उनको कह सकते हैं कि ये लड़ाई बंद करो. अब हम लोग खुद भी जाएंगे अंदर और मतलब कि लड़ाई के अंदर बीच में खुद भी इन्वॉल्व होंगे और खुद अगर हम लोग किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करें और किस तरह से उसको सिचुएशन को कंट्रोल करें. यह आपके सामने इसका आंसर है और पॉइंट्स में आप इसका आंसर लिखेंगे. वेज टू ओवरकम अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, पहले हेड ये इस तरह से एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे टॉक विद अदर पर्सन. आप दूसरे पर्सन से टॉक करें, आप बातें बात करें ताकि आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो सके. फोकस ऑन बिहेवियर एंड इवेंट्स नॉट ऑन पर्सनैलिटी. आप बिहेवियर पर और उस माहौल पर फोकस करें, उस माहौल पर या उसके उस शख्स के बिहेवियर पर गौर करें, ना कि उसकी पर्सनैलिटी को जज करें. लिसन केयरफुली. फिर आप तीसरी पॉइंट पे आ जाता है, आप उस शख्स को बहुत ध्यान से सुने कि ये कहना तो कहना क्या चाह रहा है. आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट. फिर आप गौर करें कि इनके एग्रीमेंट किस बात पे हो रहा है, इनका इत्तफाक किस बात पे हो रहा है और ना इत्तफाकी किस बात पे हो रही है. डेवलप ए प्लान टू वर्क ऑन ईच कॉन्फ्लिक्ट. फिर एक प्लान बनाएं कि किस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस लड़ाई को ख़त्म किया जा सकता है. फॉलो थ्रू ऑन योर प्लान. उसके बाद अपने प्लान को देखें कि क्या ये प्लान ठीक है, और अगर ठीक है तो उसके ऊपर काम करना शुरू करें. अगर आपने सोचा है कि अगर मैं इन दोनों से बात करना बंद कर दूंगा तो ये लोग, अगर आप इतनी इंपॉर्टेंस अपने आपको रखते हैं कि आप देखते हैं कि मेरी इन दोनों के सामने इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर मैं इन दोनों से नाराज़ हो जाऊंगा तो ये अपनी लड़ाई बंद कर देंगे, तो ठीक है आप आरजी तौर के लिए नाराज़ हो जाएं, फिर दोनों के दोनों लड़ाई ख़त्म कर देंगे. बिल्ड ऑन योर सक्सेस. फिर अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ें, प्लान बनाने के बाद अपनी सक्सेस के अपनी सक्सेस की तरफ चलें कि आज अब मैंने अपनी सक्सेस की तरफ जाना है कि इनकी दोनों की लड़ाई ख़त्म करानी है. लेट इट गो. और फिर उनको दोनों को सुलह करवाएं. और उन दोनों अगर वो दोनों आपके साथ हो तो मैं करते हैं, यानी कि आपके साथ थोड़ी सी लड़ाई कर लेते हैं ज़्यादा बात, उन दोनों का भी गुस्सा ऊपर ही होता है बहुत ही, अभी आसमान वो मीटर जो है उनका वो टूटा पारा टूटा हुआ होता है. ठीक है, अगर वो आपको कुछ गलती से कुछ कह भी देते हैं तो आप लोग माफ़ कर दिया करें उनको, दिल दिल में कहेंगे गुस्से में बोला कुछ नहीं होता. सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, स्टेट द बेस्ट वे टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट एट होम एंड स्कूल. आपने सबसे बेहतरीन तरीके बताने हैं कि किस तरह से लड़ाई को ख़त्म किया जा सकता है घर में और स्कूल के अंदर. तो पहले स्कूल के अंदर हेडिंग देंगे आप लोग, उसके बाद फिर पॉइंट्स वही. कूल ऑफ फर्स्ट बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बिगिन, द स्टूडेंट नीड टाइम टू काम डाउन. सेकेंड, शेयर लिसन चेक. स्टूडेंट नीड टू लिसन टू ईच अदर, शेयर देयर इश्यूज एंड देन चेक दैट दे अंडरस्टैंड देम. थर्ड, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ब्रेन स्ट्रॉन्ग सिचुएशन, यानी कि बहुत अच्छी सिचुएशन निकालें, सॉरी बहुत अच्छा सोल्यूशन निकालें. चूज अ सोल्यूशन, को ये एक अच्छा सोल्यूशन चूज करें. अफर्म, फॉरगिव एंड थैंक्स, और फिर माफ कर दें और फिर शुक्रिया अदा करें. अब घर के अंदर जब लड़ाई होती है तो वो किस तरह से, अगर आप किस तरह से सॉल्व आउट करें उसको. वर्कआउट इफ द इशू इज वर्थ फाइटिंग ओवर. आप उसको उसके ऊपर काम करें, उसको आप सुलझाएं उस इशू को अगर वो मारपीट पर आ गया बात. ट्राई टू सेपरेट द प्रॉब्लम फ्रॉम द पर्सन. ट्राई टू कूल ऑफ फर्स्ट इफ यू फील टू एंग्री टू टॉक कॉर्मली. कीप इन माइंड दैट द आइडिया इज टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट नॉट विन द आर्ग्यूमेंट. आप ये याद रखें कि आपने लड़ाई को ख़त्म करना है, ना कि आपने उस लड़ाई में खुद भी आकर जीतना है अपनी बातों में, बल्कि आपने उस लड़ाई को ख़त्म करना है. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, लिस्ट एनी थ्री रूल्स फॉर डिस्कशन. आपने तीन ऐसे रूल्स बताने हैं जो कि डिस्कशन के रूल्स बताने हैं, जो बेहतरीन रूल्स हों, रूल्स ऑफ डिस्कशन. पार्ट नंबर, सबसे पहला जो रूल है वो है लिसन केयरफुली विदाउट इंटरप्टिंग. आपने किसी को इंटरप्ट नहीं करना और आप जो बात हो रही है वो बहुत ध्यान से सुने. कमिट टू लर्न नॉट डिबेटिंग. आप सीखें ना कि आपने डिबेट करने आगे सामने आकर. अलाउ एवरीवन द चांस टू स्पीक, और हर किसी को मौका दें कि वो बोल सके, अपनी बात बता सके. ठीक है, अब आ जाते हैं डी पार्ट पर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. अब आपने इन क्वेश्चंस को डिटेल में बताना है. लिस्ट फाइव वेज दैट हेल्प
क्रिएट पीस एंड हार्मोनी द सोसाइटी। आपने 5 तरीके बताने हैं जिसके थ्रू हम लोग सोसाइटी के अंदर पीस और हार्मोनी रख सकते हैं, अमन और सुकून रख सकते हैं। तो ये 5 तरीके हैं। इट इज़ गुड टू बी ओपन टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप जो बात है आप बोल दिया करें, ठीक है। स्पेंडिंग क्वालिटी इन इज अनदर वे ऑफ मेंटेनिंग सोशल हार्मोनी। आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया करें, कनेक्ट विथ नेबर्स और अपने नेबर्स के साथ बातचीत रखें, ठीक है। ऑल्सो पार्टिसिपेट इन सोशल इवेंट्स लाइक फुटबॉल, सोशल गैदरिंग एक्सेट्रा। आप लोग सोशल इवेंट्स में, जिस तरह से हमारे पास फुटबॉल होती है और सोशल गैदरिंग जितनी भी होती है उनमें पार्टिसिपेट क्या करें, उनमें उठा बैठा करें, हैंग आउट विद फ्रेंड वंस इन अ वाइल, और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत क्या करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़ के बैठा करेंगे ताकि पता चले कि आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप है और आप लोग कितने इत्तेफाक से रह सकते हैं। तो बाकी को सामने मिसाल बनेगी और फिर लोग बाकी लोग भी आपकी तरह लाइफ गुजारना पसंद करेंगे। अब आइडियल जब बन जाता है इंसान तो फिर फख्र होता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज एटिकेट, लिस्ट सम एटिकेट इन योर ओन वर्ड। एटिकेट्स क्या हैं और आपने कुछ एटिकेट्स बताने हैं, तो इसका मैं आप लोगों को आंसर दिखा देती हूँ। अब ये जो एटिकेट्स हैं ये यहाँ से, ये वाला जो हमारे पास है जी पेज नंबर 10, और पेज नंबर 10 पे टॉप पर एटिकेट्स, ठीक है। पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद सिर्फ आपने इनकी हेडिंग्स लिखते चले जाना है। ये एटिकेट्स का आंसर है और लिस्ट सम एटिकेट्स, एटिकेट्स का मतलब होता है कि आप किस तरह से एक दूसरे से मिलते वक्त किस तरह के बिहेवियर शो करते हैं। यूज पोलाइट वर्ड्स नंबर 1, ये कुछ एटिकेट्स हैं। ग्रीट इज अदर, यानी सलाम करना एक दूसरे से, फिर थैंक्स अदर, अगर किसी ने आपकी मदद की है या आपकी कोई हेल्प की है तो आप उसको थैंक यू बोलें। शो गुड मैनर्स ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन, आपने सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है, ठीक है। और प्लीज सीक परमिशन बिफोर यू कॉल इन ऑन समबडी, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू वर्ड्स लास्ट क्वेश्चन, राइट अ कॉन्फ्लिक्ट यू हैव हैड विथ योर क्लासमेट्स, हाउ डिड यू रिजॉल्व इट। आपने कोई एक बताना है, कोई एक वाक्य बताना है जब आप अपने क्लासमेट से, अपने क्लास वालों से लड़ाई की हो आपने और आपने किस तरह से उसको साथ उस इशू को रिजॉल्व किया हो, वो भी आपने बताना है। तो ये हर किसी का अलग-अलग ही आंसर होता है, जिसमें मैंने इसका आंसर आपके साथ नहीं शेयर किया क्योंकि हर किसी की लड़ाई होती है, किसी की नहीं होती, तो ये सब टू यू, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद करना है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।